कुहु कुहु बोले ले कोयलिया सगरो सोर होता। हेलो दोस्तों, तुम्हारी भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह का एक और रिकॉर्ड तोड़ भजन गाना आया है, जिस गाने का नाम है ए भोले बाबा। तो दोस्तों, अगर हम इस गाने की बात करें तो दोस्तों माँ अम्मा फिल्म्स भक्ति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से पवन सिंह का यह ऐसा दूसरा गाना है जो मात्र भैया 5 घंटे के अंतर में ही भैया 1 मिलियन क्रॉस कर गया। नहीं दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि लोग फिल्मी गाना और रोमांटिक गाना लेके आ रहे हैं, उनके गाने पर भैया 5 घंटे में 1 मिलियन व्यूज नहीं जा रहा है, और वही हमारे पवन भैया के भजन गाने पर जो एक भक्ति गाना है उस गाने पर मात्र 5 घंटे में 1 मिलियन व्यूज क्रॉस हो जा रहा है। तो दोस्तों, पवन सिंह के इस रिकॉर्ड के लिए दोस्तों पवन सिंह का ये वाला डायलॉग तो एक बार बनता ही है। पावर पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म हुई, पावर दूसर के कहां से ले ली। इससे पहले दोस्तों पवन सिंह का इसी चैनल से एक दूसरा भजन गाना आया था, जिस गाने का नाम है रोवेले रघुराई। और दोस्तों यहाँ पर फैक्ट की बात तो यह है कि जब पवन सिंह का यह भजन गाना इस चैनल से रिलीज किया गया तो इस चैनल पर नाम मात्र एकदम सब्सक्राइबर थे, इस पर कोई सब्सक्राइबर थे ही नहीं। और दोस्तों यह भजन गाना पवन सिंह का जैसे इस चैनल पर रिलीज हुआ, मात्र 13 दिनों के अंदर में ही इस चैनल पर लगभग 2 लाख सब्सक्राइबर आ चुके हैं। ये क्या बात करते हैं यार। तो दोस्तों इसी चीज को कहते हैं रिकॉर्ड, जो दोस्तों विरोधियों के बस की बात नहीं है। You are right, bro. तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे और बात करते हैं पवन सिंह के इस नए गाने का, जिस गाने का नाम है ए भोले बाबा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस गाने की लिरिक्स की, जिसको लिखा है विजय चौहान ने। और दोस्तों विजय चौहान जब भी पवन सिंह के लिए कोई गाना लिखते हैं तो भैया वो गाना रिकॉर्ड तो बनाता ही है। तो दोस्तों इस गाने में एक छोटी सी स्टोरी है, और उस छोटी सी स्टोरी को विजय चौहान ने इस कदर हम सभी को दिखा दिया है ना, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो दोस्तों इस गाने की स्टोरी कुछ इस तरह की है कि भगवान शंकर घोर निद्रा में सो चुके हैं और अब सूरज निकल चुका है। माता पार्वती ये सब चीज देखती हैं और सोचती हैं कि भगवान शंकर अभी तक क्यों नहीं उठे। तो दोस्तों माता पार्वती भगवान शंकर को किस तरह से जगाती है, इस छोटी सी कहानी को भैया विजय चौहान ने बहुत ही प्यारे तरीके से एक भजन में लिख दिया है। और दोस्तों इस प्यारे से भजन को हमारे पवन भैया ने गाकर इस प्यारे से भजन में 4 चांद लगा दिया है। तो मैंने कम से कम 5 बार देखा होगा। और दोस्तों अगर हम इस गाने के वीडियो डायरेक्टर की बात करें तो उनका नाम है रवि पंडित। तो दोस्तों इस भजन को लेकर हमारा रवि पंडित से खाली एक ही सवाल है कि आप इस गाने को, इस भजन को और भी बेहतर बना सकते थे। रवि पंडित जी ने जो इस भजन में स्टोरी हम सभी को दिखाया है, नो डाउट बहुत बढ़िया है, काबिले तारीफ है। लेकिन रवि पंडित जी ने जो ये नकली दाढ़ी मूछ दिखाया है और जो ये नकली बंदर दिखाया है, ये बिल्कुल किसी भी तरह से एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इससे अच्छा दोस्तों अगर ये बंदरों को ना दिखाकर इन इंसानों को ही दिखाया होता बिना दाढ़ी मूछों के, तब भी बहुत ही अच्छा लगता। ठीक है, बस दोस्तों इतना सही इस गाने को लेकर शिकायत है। बाकी दोस्तों गाना बहुत ही लाजवाब है, अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो इस गाने को एक बार जरूर सुनिएगा। और दोस्तों अगर हम इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर की बात करें तो उनका नाम है विक्की वॉक्स, जो भैया बहुत ही बढ़िया इन्होंने इस गाने में म्यूजिक दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए भोजपुरी रिलेटेड वीडियो ऐसे ही लाते रहें।